हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली स्टडी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने राष्ट्र के महापुरुष चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत ही निर्धन परिवार से थे। इनके पिता श्री सीताराम तिवारी एक निर्धन ब्राह्मण थे, परंतु किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। ये बहुत ही गरीब थे। घर में इतनी गरीबी थी, फिर भी चंद्रशेखर जी की माता जी जगरानी ने बच्चे को कभी उदास नहीं होने दिया। चंद्रशेखर जी का जन्म 23 जुलाई 1906 में उन्नाव जिले के बदरका ग्राम में हुआ था। चंद्रशेखर जी का जन्म 23 जुलाई 1906 में उन्नाव जिले के बदरका ग्राम में हुआ था। चांद जैसे सुंदर मुख वाला होने के कारण इनका नाम चंद्रशेखर रखा गया। एक दिन चंद्रशेखर जी माता पिता को बिना बताए पढ़ने के लिए काशी चले गए। चंद्रशेखर जी ने राष्ट्र के लिए बहुत कुछ बलिदान किया, यहाँ तक कि अपना पूरा जीवन तक बलिदान कर दिया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद के होने की सूचना पाकर पुलिस ने अपने चारों ओर से उनको चारों ओर से घेर लिया। अंग्रेज पुलिस अफसर नाटवावर आगे बढ़ा। आज़ाद ने एक पेड़ की आड़ में उसको निशाना बनाया। घायल होकर नाटवावर एक ओर गिर पड़ा। दोनों ओर से 20 मिनट तक दन दनादन गोलियां चली। जब आज़ाद की रिवाल्वर में एक गोली रह गई, तब उन्होंने कनपट्टी पर नाल रखकर घोड़ा दबा दिया और भारत माता का यह सच्चा सपूत स्वयं को मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर विदा ली। दोस्तों, आज़ाद जी कुछ पंक्तियां हमेशा गुनगुनाया करते थे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।